जब जब मुझे मोर का टवका सुना है, कुहू कुहू कॉइल जो बोलते हैं ऐसे टहूक टहूक, तो मैं सीधा राजमहल चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पिकॉक का पूरा जो फैमिली है ना बहुत है। दूसरा कि इन लास्ट 50 ईयर्स आई हैव बीन टू लक्ष्मीलाल पैलेस सेवरल टाइम फॉर ए म्यूजिकल प्रोग्राम, राइट। तो इसलिए जो लक्ष्मीलाल पैलेस है ना, मेरे कॉलेज की शुरुआत से अभी तक का ऐसा एक मॉन्यूमेंट है कि मेरे एक एक रूम में बैठ के मजा मुझे दे रहा है। तो जब ही जाता था तो देख के मैं डोमिनेट हो जाता, सर इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि उसकी जो जो डिटेल ऐसी है ना, ब्रिटिश टाइम की 120 ईयर्स ओल्ड कितना पत्थर लगाया हुआ, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट इन ए पेंटिंग इन ए क्रिएटिव मैनर। सो इन दिस पेंटिंग I started with this point and I developed right side, left side, right? And then I started putting the colors, different colors. First thing that I decided that time, okay, I want to be very colorful painting, not a gray or monotonous sort of painting. The colorful pura attitude hai, pehle se man mein tha. To red kahan lena? Aur jaise basta hai na, ek thang thang thang, तो इस तरह से मेरा पेंटिंग में भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। और फिर वहाँ के जो स्कल्पचर है, ये सहजीराव का स्कल्पचर है, उसके साथ दूसरा है, ये वहाँ के टिपिकल स्कल्पचर है, वहाँ के झूमर है इस तरह से है, वहाँ के मोर इसे से बैठे हुए हैं, और कपड़े से मैं काम करता हूँ। उसलिए मेरा जो म्यूजिक सुनने का पूरा वहाँ का जो एक टाइम था, जिसमें मैं अकेला साइकिल पर टेप रिकॉर्डर फिलिप का लेके जाता था, बैठ जाता था माइक के नजदीक और पूरा प्रोग्राम सुन के रिकॉर्ड कर लेता, और फिर दिन को कभी भी जब पेंटिंग करता था तो रख के वो सुनता था और पेंटिंग करते जाता था। तो ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है उसमें करीब नए तो 8 पेंटिंग हो गए हैं, सेम थीम पर 8 पेंटिंग का सर्जन हो गया। और साथ साथ ये जो सब कैरेक्टरिस्टिक वहाँ की, ये उसके वहाँ के ब्रिटिश लाइफ जो है, जो दूसरे के घर में नहीं थे, उसको भी मैंने पार्ट ऑफ दी पूरा ये फॉर्म में ले लिया। ये स्कल्पचर भी फतेह सिंह म्यूजियम में है, तो पूरी स्पेस जो है वो स्पेस के अंदर, और ग्रे में मैंने डेवलप किया, दो ही कलर ऐसे लाइटर डार्कर ग्रे एंड कलर। पर ये सिटकोन तो मैं कपड़े धो धीरे धीरे म्यूजिक में मिल जाते हैं, वैसे करके ये करता हूँ। और ये डिटेलिंग है, वहाँ मैंने जोर जोर से कहीं कहीं कलर का इतना जैसे स्कल्पचर बना था उन्होंने, इस तरह से करने का कोशिश किया है। जैसे अजंता जाता हूँ तो अजंता के बुद्ध को ले लेता हूँ, और वहाँ बुद्ध के साथ साथ कभी बुद्धम शरण गच्छामि, संगम शरण गच्छामि, बंधम शरणम गच्छामि, तो ये सब श्लोक है, उसकी असर भी होती है। तो उस तरह से जब ये देखता हूँ तो सयाजीराव की जो बातें हैं, उनकी सेवा की, उनका राज्याश्रम की, वो भी याद आती है। लेकिन हर एक पेंटर अपने पेंटिंग का प्रशंसा करवाता है, मैं ये नहीं चाहता, वो ही अपनी प्रशंसा करे अपने आप से ही, मैं ये हूँ भाई, इतना हो जाए। This fine.